खमरिया स्टेट वेस्टलैंड गुरुद्वारे के पास बीती रात दो बदमाशों ने एक प्राइवेट सुरक्षा कर्मी पर चाकू से हमला कर दिया। दोनों बदमाश सुरक्षा चौकी में लगे बैरियर को जबरदस्ती खोलने और सुरक्षा कर्मी से रुपयों की मांग कर रहे थे। जब सुरक्षा कर्मी ने विरोध किया तो बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया। सुरक्षा कर्मी ने सुरक्षा अधिकारी को घटना की जानकारी दी और फिर खमरिया थाने में FIR दर्ज कराई। खमरिया स्टेट वेस्टलैंड गुरुद्वारे के पास स्थापित सुरक्षा चौकी पर तैनात प्राइवेट सुरक्षा कर्मी जितेंद्र यादव पर देर रात दो बदमाशों ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। बाइक सवार दोनों बदमाश रात्रि करीब 1 बजे सुरक्षा चौकी पर पहुंचे और सुरक्षा कर्मी जितेंद्र यादव से जबरदस्ती बैरियर खोलने की बात कही। इतना ही नहीं, उससे रुपयों की मांग भी करने लगे। जब सुरक्षा कर्मी ने विरोध दर्ज कराया तो बदमाशों ने उस पर चाकू से हमला किया। सुरक्षा कर्मी ने सुरक्षा अधिकारी को जानकारी दी, जिसके बाद सुरक्षा अधिकारी भी घटना स्थल पर पहुंच गए और उन्होंने खमरिया थाने में FIR दर्ज करवाई। रोजाना की तरह मैं 10 से सुबह 6 बजे तक की ड्यूटी दे रहा था, तो रात के 1 बजे दो लोग आए, जिसमें एक टू व्हीलर चला रहा था चुन्नी और उसके पीछे बैठे थे रईस खान। तो इन्होंने आया और मेरे को बुलाया उधर और गंदी गंदी गाली गलौज करने लगे और बोले बैरियर खोलो। तो मैंने मना किया बैरियर खोलने के। मैंने बताया कि ये फैक्ट्री के GM साहब का आदेश है कि ये बैरियर जो है रात को 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक बंद रहता है। उसके बाद भी उन लोगों ने नहीं माना और मेरे साथ हाथापाई मारपीट शुरू कर दी, गाली गलौज गंदी गंदी गाली देने के साथ में। उसी बीच दौरान मैंने अपने सुरक्षा विभाग के विवेक यादव को फ़ोन करके बताया और उन्होंने तत्काल मौके पर पहुँचने के लिए आए। उसी दौरान इन लोगों ने अपने 3 साथियों को और बुला लिया, जो वो लोग भी चक्कू वक्कू लेके आ गए और मेरे पे चुन्नी ने भी चक्कू से अटैक किया, जिससे मेरे पेट में अटैक करने लगे तो मेरे हाथ में लगी, मैंने रोकते बचाव में, और इन लोगों ने मेरे साथ मारापीटी करी। और इसके बाद अपना सुरक्षा दल उस समय प्रेजेंट था, जिसमें उन लोगों ने दो तीन बार मेरे ऊपर अटैक किया, इस टाइप में अटैक किया, घातक हमला किया, जिसमें मेरे बचाव में जो सुरक्षा दरवान थे कुलदीप सर, तो उन्होंने उसके जब तीसरी बार अटैक कर रहे थे चक्कू से, तो उन्होंने डंडा मारा उसके हाथ में और वो तब फिर भागा दौड़ी मच गई, भगदड़ मच गई और वो भागे। जितेंद्र यादव थाना में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया है कि दो व्यक्ति, एक चन्नी और एक रईस, ये मोटरसाइकिल से आए और रात्रि में बैरियर खोलने के लिए इनसे बोले। उसने बैरियर नहीं खोला, गाली गलौज ये करने लगे और उनको बोलने लगे कि हम गुंडे हैं, हमें 1000 रुपये दो। उसने मना किया, इसी को लेकर उनके साथ मारपीट की गई है और जिसको चोट भी आई है। फिर वो अपने सीनियर अधिकारियों के साथ थाना उपस्थित आया है। थाना आने पर उन दोनों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 342 2022 धारा 294 327 324 506 34 कायम कर विवेचना में लिया गया है। आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस ने दोनों बदमाशों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत FIR दर्ज की है और फरार बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है।